आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी कुशलता और माननीय सांसदों की जागरूकता, उन सबका संयुक्त प्रयास मैं कह सकता हूँ कि जिसके कारण 17वीं लोकसभा की प्रोडक्टिविटी करीब करीब 97% रही है। प्रोडक्टिविटी अपने आप में प्रसन्नता का विषय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज जब 17वीं लोकसभा की हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तब एक संकल्प लेकर के 18वीं लोकसभा प्रारंभ होगी कि हम हमेशा 100% से ज्यादा प्रोडक्टिव वाली हमारी कार्यवाही करेंगे, और उसमें भी 100% से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले रहेंगे। ये भी, और मैंने देखा आपने रात रात बैठ बैठ करके भी हर सांसदों के मन की बात को आपने सरकार के ध्यान में लाने का भरपूर प्रयास किया। मैं इन सफलता के लिए सभी माननीय सांसदों का और सभी फ्लोर लीडर्स का भी हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। पहले सत्र में, 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में, दोनों सदन ने 30 विधेयक पारित किए थे। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और एक नए नए बेंचमार्क 17वीं लोकसभा ने बनाए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव हम सबको कितना बड़ा सौभाग्य मिला कि ऐसे अवसर पर हमारे सदन ने अत्यंत महत्वपूर्ण कामों को नेतृत्व किया, हर स्थान पे हुआ। शायद ही कोई सांसद ऐसा होगा कि जिसने आजादी के 75 वर्ष को लोकोत्सव बनाने में अपने अपने क्षेत्र में भूमिका अदा न की हो। यानी सचमुच में आजादी के 75 वर्ष को देश ने जी भर करके उत्सव से बनाया, और उसमें हमारे माननीय सांसदों की और इस सदन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे संविधान लागू होने के 75 वर्ष, ये भी अवसर इसी समय इसी सदन को मिला है, इसी सभी माननीय सांसदों को मिला है। और संविधान की जो भी जिम्मेवारियां, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है, और उनके साथ ये जुड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरक है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कार्यकाल में बहुत ही रिफॉर्म्स हुए हैं और गेम चेंजर है। 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव उन सारी बातों में नजर आती है। एक बड़े बदलाव की तरफ तेज गति से देश आगे बढ़ा है, और इसमें भी सदन के सभी साथियों ने बहुत ही उत्तम मार्गदर्शन किया है, अपनी हिस्सेदारी जताई है, और देश हम संतोष से कह सकते हैं कि हमारी अनेक पीढ़ियां जिन बातों का इंतजार करती थी, ऐसी बहुत से काम इस 17वीं लोकसभा के माध्यम से पूरे हुए, पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ।